बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों का प्रेम सदैव रहा है, वर्षानुवर्ष रहा है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आज मैंने पूजा की और प्रार्थना में ईश्वर से यही प्रार्थना की कि जैसे सदैव कृपा रही है वर्षानुवर्ष, वैसे कृपा रहे, कभी तकलीफ में भी तकलीफ नहीं आई है। और बहुत एक योग से मैं निकल रहा था, जिस योग से निकलते समय बहुत से द्वंद प्रतिद्वंद और बहुत सी चीज़ें जो पॉलिटिक्स छोड़ दिया उसके बावजूद हो रही थी, फिर 14-15 साल हो गया, फिर मैंने सोचा कि ये 14-15 साल तो हो ही गया है, उसके बावजूद ये बंधन कहाँ से है और कैसे है। तो ये समझ में आया कि ये दैविक रहा, जिसमें किसी दिव्य आत्मा ने बहुत से दिव्य बंधन कर रखे थे, और जो कर्म हमें पता भी नहीं, जिसकी हमें हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे उसे लेकर बहुत से विचार जो लोगों ने हैं प्रकट किए हुए थे, बंधन किए हुए थे, उससे मैं निकला हूँ। तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ आज, जय जगन्नाथ जी, धन्यवाद बहुत बहुत बहुत। कई ऋण से निकला हूँ, कई ऋण से, मतलब कि जी समझिए कि जैसे कि बहुत से ऐसे, मैं जो शब्दों में अभी कह भी नहीं सकता हूँ, पर कृपा हो गई, आप मेरे स्वप्न में आए, और सपने में आए, और मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगी जो मुझे मेरे विषय में पहले नहीं पता थी। तो बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। आप एक एंबेसडर हो के अभी इधर, मैं इधर इसमें इंटरव्यू में कैसे डिस्कस करूं? एंबेसडर हुए थे पहली बार जो आए थे, जी एंबेसडर होके आए थे यहाँ पे जगन्नाथ धाम। जी जी जी, आई नो। अनुभूति और आज का अनुभूति क्या कुछ रहा है? बहुत ही, ये बहुत कृपा रही कि इस तकलीफ के दौर में हम ज़्यादा वाद विवाद में नहीं पड़े, दैवी चरण में रहे, और दैवी चरण में रहे उसी वजह से आज हम खुश नज़र आ रहे हैं। और तकलीफ़ का दौर जैसे ही निकलता है, आज तारीख वैसी है, और जो साल की तारीख है आज वही तारीख है, ऐसे में आप ही की कृपा हुई जो मैं यहाँ पे आ गया, ये मेरी प्लानिंग में था नहीं कहीं भी। बहुत अच्छे, बहुत शुभ, बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। जगन्नाथ जी को देखे कैसे फील हुआ आपको, उनका आंखों के देखे, आंखों के सामने आप खड़े होकर उनका पास, उनका सामने कैसे फील हुआ उनको देखे? मुझे ऐसा लगा जैसे कि जो बहुत साल के कष्ट और बंधन और बाधा थी वो आज निकल गई। जय जगन्नाथ।